नॉट स्टिल नॉट क्लियर मैम, वॉइस सेक्शन ए एंड बी, एम आई ऑडिबल सॉरी यस मैम? सेक्शन सी में इश्यू आ रहा है, ए एंड बी एवरीथिंग इज फाइन मैम। एक बार आप अपना माइक कनेक्ट करके देखिए दोबारा से। रिकनेक्ट कर, ट्राई रिकनेक्टिंग योर माइक। मैम सेक्शन ए एंड बी एवरीथिंग इज ओके। सेक्शन सी नाउ इट इज वॉइस इज क्लियर और नॉट? सेक्शन सी यस वॉइस इज क्लियर नाउ? यस अरे बच्चे ऐसे, आई एम टॉकिंग टू सेक्शन सी, ए एंड बी इज क्लियर दैट आई नो राइट। सेक्शन सी में इश्यू आ रहा है। और मैम यू कैन डू वन थिंग, यू कैन शिफ्ट द क्लास टू द, और यू कैन मर्ज द क्लास ए एंड बी, बिकॉज बोथ द सेक्शन वॉइस एंड वीडियो बोथ आर ओके। मैम तो एवरीबॉडी सेटल नाउ? सॉरी यस नाउ वॉइस इज क्लियर टू बोथ द सेक्शंस? यस वेरी गुड। चलिए बच्चे, सो वी हैव डन फोर थ्योरम्स इन द प्रीवियस क्लास। हाँ जी, हु विल टेल मी ऑल द फोर थ्योरम्स? फोर थ्योरम्स वी हैव डन बच्चों, यस और नो? यस हाँ जी, विच आर दोज फोर थ्योरम्स? हाँ जी, सेक्शन बी में जो फ्रंट बेंच पे बैठा है बच्चा, बताइए जरा। हाँ जी बोलिए बेटा बोलिए। येलो वन, येलो और पर्पल दोनों जो जिनके पास माइक रखा हुआ है, प्लीज टेल मी ऑल द फोर थ्योरम्स। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वेरी गुड। सेकंड वन, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नहीं,
कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? और इसका कन्वर्स किया था बच्चे, इफ कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस देन द कोर्ड्स आर इक्वल. इज दिस क्लियर? यस, व्हाट वाज द फोर्थ थ्योरम? इफ इट्स एंगल सब्सटेंडेड बाय द कोर्ड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल. ओके नेक्स्ट. और भी की थी हमने एक दो थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम हमने की थी बच्चे, एंगल सब्टेंडेड बाय ए कोर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. हैव यू डन इट, यस और नो? बच्चे वी हैव डन दिस थ्योरम. दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ सेंटर. एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड. इफ दिस इज एक्स, दिस एंगल विल बी. Have we done this or not? Yes. We have done the proof of this theorem also, right? Now, on the basis of this theorem, we have two more theorems, extension of this theorem. First one is angles in a semicircle is 90 degree. लिखिए जरा statement. Angle in a semicircle is 90 degree. दिस इज अ सेमी सर्कल बच्चे, दिस इज अ सेंटर. नाउ इफ यू ड्रॉ एनी एंगल इन द सेमी सर्कल, दिस विल बी 90 डिग्री. लिखो बच्चे स्टेटमेंट, लिखो एंगल इन ए. वाई यू आर नॉट राइटिंग बच्चे? आई कैन सी फ्रंट बेंचर ऑल्सो नॉट राइटिंग. एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. सेक्शन ए सेकेंड बेंच, वाई दीज गर्ल्स आर नॉट राइटिंग? वाई यू आर नॉट राइटिंग बेटा? और यू वॉन्ट आई शेल पॉइंट आउट ईच एंड एवरी वन पर्टिकुलरली? दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. हैव यू रिटन इट? Now see how these two theorems are interconnected. बच्चे this is center of the circle and this AB is diameter. Is it clear? Is this clear? What is the center? What is the angle subtended by the diameter at the center? What is the angle? 180 degree. Yes. One. Yes or no? Now, being the longest chord of the circle diameter, if diameter subtends angle of 180 degree at center, how much angle will be this? Degree. Can you see these two theorems? Yes or no? Wherever you draw the angle, it will always be 90 degree. Is this clear? These all angles will be 90 degree. Is it okay? Now, the third theorem on the basis of this theorem is that this is a chord. Angles in the same segment are equal. You know what is a segment? बच्चा यू नो व्हाट इज सेगमेंट? बच्चा यस और नो कैन यू टेल मी? Yes. व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कौन बताएगा बेटा? हु विल टेल मी व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल? देखिए बच्चों, इफ दिस इज ए सर्कल,
दिस इज अ सर्कल. इफ यू ड्रॉ एनी कॉर्ड, इफ यू ड्रॉ एनी कॉर्ड इन द सर्कल, दिस कॉर्ड डिवाइड दिस सर्कल इंटू टू पार्ट, राइट और नॉट जी? दीज टू पार्ट आर नोन एज सेगमेंट. वन सेगमेंट इज दिस, अनदर इज दिस. द बिगर वन इज नोन एज सेगमेंट मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज माइनर सेगमेंट. देर इज अनदर टर्म कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल. नाउ व्हाट इज सेक्टर? कैन एनी बडी टेल मी व्हाट इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल? एरिया बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क, एरिया, एरिया बिटवीन द रेडियस रेडियस एंड द आर्क. बच्चे, एरिया बिटवीन द रेडियस. सी इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस. नाउ विच एरिया यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चे? एरिया बिटवीन रेडियाई, टू रेडियस, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. एंड द स्मॉलर वन इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड द ग्रेटर वन इज नोन एज मेजर सेक्टर. राइट बच्चों? राइट. चलिए वी कम बैक टू द अगेन द थ्योरम. नाउ एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. बच्चे दिस इज द कॉर्ड. व्हाट द थ्योरम वी हैव डन कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी अदर पॉइंट. यस और नो? Yes. नाउ लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ व्हाट एवर इज दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज एक्स, व्हाट विल बी दिस एंगल? नाउ इफ इट इज 2x, दिस एंगल इज 2x, व्हाट विल बी दिस एंगल? एक्स हो जाएगा बच्चों. तो देयरफॉर दिस एंड दिस विल बी इक्वल. सिमिलरली वेयर एवर दिस एंगल इज देयर, दिस विल बी सेम. मीन्स एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. इज दिस क्लियर? Yes. एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? सो वी हैव डन थ्री थ्योरम्स ऑन द बेसिस ऑफ वन थ्योरम. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट. देन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. एंड थर्ड इज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एनी डाउट बच्चों? चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. लेट्स से दिस इज अ सर्कल. इफ दिस एंगल इज 130 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल एसीबी? व्हाट विल बी एंगल एक्स? हु विल टेल मी? इफ एंगल एओबी इज 130 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एसीबी? हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा? हाँ जी, सेक्शन ए से गर्व बताइए बेटा, आप बताइए. सर 65. ओके, आप दोनों बताइए बेटा सेक्शन बी में. प्लीज सिट डाउन. हाँ जी बच्चों, सेक्शन बी से बेटा बोलिए. कैसे 65. हुआ बेटा 65? तो सर एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इज डबल ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल. चलिए वेरी गुड. बट एक चीज देखिए बेटा, व्हाट विल बी दिस एंगल? नाउ टेल मी व्हाट विल बी वाई, व्हाट विल बी एंगल वाई? 65. इफ दिस इज 65, कैन दिस बी 65? यस यस और नो? यस नो बच्चों, नो. व्हाई नॉट?
देखिए बेटा, नाउ देर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और वन थिंग इज देयर, वेन एवर यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, दिस इज इन द सेम सेगमेंट, दिस इज क्लियर। नाउ दिस एंगल इज 130 डिग्री, हाफ ऑफ दिस विल बी वाई, दैट इज 65 डिग्री। बोथ दिस एंगल आर इन द सेम सेगमेंट और नॉट, यस और नो? बट एंगल दिस ए ओ बी एंड ए सी बी आर इन डिफरेंट सेगमेंट्स, अपोजिट सेगमेंट्स, यस और नो बच्चे? चलिए मैं थोड़ा सा साइक्लिक के बारे में बता देता हूँ बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, ठीक है बच्चे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज एनी क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स लाइज ऑन द सर्कल। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, इट्स अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इट्स अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। क्या होता है बेटा? कैन यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर? इफ वाई, वाई कितना आया बच्चों? सिक्सटी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एक्स? ये हो जाएगा बेटा, यस और नो? व्हाट यस विल बी एक्स? 115 राइट। नाउ दिस इज अ वन वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, व्हाट विल बी दिस एंगल? व्हाट विल बी दिस एंगल रिफ्लेक्स ए ओ बी? व्हाट विल बी दिस एंगल रिफ्लेक्स ए ओ बी? 230 डिग्री हो जाएगा बेटा, यस और नो? सो जो ये रिफ्लेक्स एंगल है, द हाफ ऑफ दिस एंगल विल बी दिस एंगल, इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? आई थिंक नो, मैनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। हाउ मैनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी व्हाट इज नॉट क्लियर। सर एक बार फिर से समझाना जो एक बार यस यस बेटा, सी देखिए, वेन एवर यू आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी यू नीड टू अप्लाई इन द सेम सेगमेंट, राइट। नाउ वेन यू आर टेकिंग दिस एंगल, राइट, दिस एंगल एक्स एंड वाई दे आर इन अपोजिट सेगमेंट्स और दे आर इन अल्टरनेट सेगमेंट्स, राइट। वन सेगमेंट मेजर, वन इज माइनर। सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, दिस इज इन द सेम सेगमेंट, राइट, एंगल वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी। बट वेन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, दिस इज क्लियर, दिस विल बी हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स ए ओ बी, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा है? यस यू कैन लुक एट दिस एंगल इधर बाय साइक्लिक प्रॉपर्टी और बाय द सेम थ्योरम, बट इन ए डिफरेंट वे यू हैव टू अप्लाई, इज इट ओके? कोई डाउट बच्चों? क्या बात, बड़े टायर्ड से लग रहे हो, टाइम ऐसा है? हाँ जी, आफ्टरनून क्लास है इसलिए टायर्ड लग रहे हो, मॉर्निंग में तो बड़े एनर्जेटिक होते हो आप लोग। एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। नाउ एवरीबडी इज डिप्रेस से लग रहे हो बड़े, व्हाट हैपन? हाँ जी बच्चों, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या मुश्किल लग रहा है? यस टेल मी। बच्चों चलो, वेरी गुड, राइट बच्चे। साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिख लो बच्चे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल, लिखिए जरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल, प्लीज राइट डाउन, फ्रंट बेंचर्स, पर्पल शर्ट, गर्ल्स सेक्शन ए नॉट राइटिंग,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सक्यूज मी मैम इन सेक्शन 9B। मैम एनीथिंग Yes, please. राइट बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इट्स अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, हाँ जी बच्चों वन प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अनदर प्रॉपर्टी इज राइट दिस एंगल इज सपोज एक्स व्हाट विल बी दिस एंगल बच्चों। हाँ जी इफ दिस एंगल इज एक्स व्हाट विल बी द मेजर ऑफ लेट्स से एडी। इफ एंगल ए बी सी इज एक्स व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी ई। कैन यू टेल मी यस और नो। बच्चे विल इट बी एक्स और नॉट। कैसे बेटा देखो जरा दिस इज एक्स लेट्स से दिस इज वाई व्हाट इज एक्स प्लस वाई 180 डिग्री 180 डिग्री। वाई क्या रीजनिंग है इसकी बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर राइट। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस वन एंड दिस वन आर दे नॉट 180। वाई वाई दे आर 180। बच्चे लीनियर पेयर आर दे फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर और नॉट। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल। ठीक है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर अपोजिट एंगल दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल। दिस इज क्लियर बच्चों। हाँ जी चले आगे बेटा। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस पे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे हम। हाँ जी क्वेश्चन है बेटा सबके पास बुक्स है। डू यू हैव एनसीईआरटी बुक्स। नो प्रॉब्लम इफ यू हैव इट देन इज ओके अदरवाइज आई विल राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पासिंग थ्रू
देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। क्वेश्चन रीड कीजिए बच्चे ध्यान से। देखिए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, राइट? मैं यहाँ पे ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। अच्छा एक सर्कल हो गया ये, लुक एवरीबडी लुक एट द बोर्ड बेटा प्लीज। फर्स्ट लुक एट द बोर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। वी हैव टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल, राइट? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? हाँ जी। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter, means this is a diameter passing through this intersection point. Is it clear? Make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, means this angle is equal to this angle. Right, bacho? This is given. We have to prove that these chords are equal. राइट? इज इट क्लियर जी? देखिए प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं इसका। दिस इज सर्कल, वी हैव टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, दीज आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स एंड लेट्स से दिस इज डायमीटर, this is the center of the circle, let the chords are AB and CD and their point of intersection is P. Is this clear bachcho? Is this clear? Angle DPO is equal to angle BPO. This is given to us. We have to prove that what is given here. What is given बच्चों? This is given, right? To prove, what we have to prove? Right बच्चों? Yes or no? Is this clear, students? So yes. Now what you have to do, you have to draw perpendicular from the center to both the chords. Let it be M, this is L. Draw the perpendiculars from the center of the circle to both the chords. Is this clear, bachcho? Yes. This angle will be 90 degrees. Now, what you have to do, you have to prove the congruency in triangle OPM and OPN. Right? So, proof mein aap kya karenge bache? In triangle OPM and triangle, right? We have taken two triangles, OPM and OPN. Now first thing is OP is equal to OP common. Common. Haan ji bacho, what will be the second thing? What will be the second thing bacho? OM equal to ON. Please raise your hand jo batayega beta. No talking. Section B, second bench, what happened? Why you are looking back? Beta, a second bench wala student aa jaye zara aage. Section B mein second bench. The student sitting between this girl and the boy, yellow shirt.
प्लीज या प्लीज कम, नहीं नहीं आपको बोल रहा हूँ, येलो शर्ट प्लीज कम। बट हाँ जी बेटा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू वन, हाउ एंड वाई? बच्चे आप क्या देख रहे थे पीछे? मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ एंड यू आर लुकिंग बैक। सर जो ओ एम है वो ओ एन के मैंने इजिकल, क्या पूछा बेटा, सर यस पीछे क्या देख रहे थे? मैं क्लास में आगे ले रहा हूँ, क्लास आप पीछे देख रहे हो। सर वो सर हाँ जी बोलो, वो क्या था? क्वेश्चन क्या है? अपना एक मिनट बाहर निकल के आओ जरा, आगे बाहर निकल के आगे आओ जरा बेटा। सर आ जाओ जल्दी आओ जरा, डोंट वेस्ट टाइम। क्वाइट स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, क्या देख यस रहे थे? बेटा क्वेश्चन आगे चल रहा था, आप पीछे देख रहे थे। क्वेश्चन आपको जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट यू वाज लुकिंग एट द बैक, उसी का क्वेश्चन। सर, पीछे डिस्टरबेंस हो रही थी तो हमें देख रहे थे सर, डिस्टर्बेंस आपकी वजह से हो रही थी ना बेटा? फिर हम हाँ जी, टेल मी नाउ, वी हैव टेकन टू ट्रायंगल्स OPM एंड OPN। वन थिंग इज देयर कि OP इज इक्वल टू OP। सर यस वो कॉमन है अच्छा, और सर, जो ओ एम पी और ओ एन है वो ईच 90 कैसे पता चला बेटा वो 90 है? हाँ सर, जो जो सेंटर जो जो सर्कल का सेंटर है वो 90 होता सर्कल का सेंटर 90 होता है। सर, वो 19 पे है, जो 90 है वो जो ओ एम पी मेरे को है नोटबुक और इजिप्ट साइड छोड़ दो। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ये नोटबुक किसकी है पहले तो मुझे बता दो, किसकी सर यस है नोटबुक बेटा? सर ये हमारी है सर, आपकी है ये नोटबुक? सर वो क्वेश्चन देख रहे थे हमें, फिर आंसर दे ये दिया आपकी है नोटबुक या किसी और की है पहले मुझे बताएं। सर, इसकी बड़ी सर क्वेश्चन ने देख लिया फिर उसका आंसर दे दिया क्या नाम क्या आपका बेटा? हाँ सर, सौरभ चौधरी, जी, सर सौरभ चौधरी हाँ जी चौधरी साहब, क्लास यस तो पढ़ लिया करो थोड़ा सा बेटा, पर आपकी वैसे सारी क्लास डिस्टर्ब हुई? सर वो पीछे डिस्टर्बेंस है तो देखा था सर, यू आर द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस। चलो बैठो जरा। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं OPM एंड OPN। वन थिंग इज OP इज इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन। सेकेंड इज बेटा एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, इट इज गिवन। दिस इज गिवन ना, दिस इज गिवन। क्या लिखेंगे बच्चे? एंगल दिस इज गिवन। व्हाट विल बी द थर्ड थिंग? एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, राइट? ईच 90 डिग्री। एंगल OMP ईच 90 डिग्री, दिस क्लियर? यस इज दिस क्लियर सर स्टूडेंट? इन सेक्शन 9A सेकेंड बेंच, येलो पर्पल एंड येलो ऑल थ्री कम्स। सेक्शन 9A सेकेंड बेंच, ऑल थ्री स्टूडेंट कम टू द माइक, जल्दी से आ जाओ। उनको पता है किसको बुलाया गया? ऑल थ्री स्टूडेंट्स
येलो पर्पल एंड येलो प्लीज कम नाइन्थ है प्लीज कम फास्ट यू टू आल्सो बचे आप दोनों भी आ जाए। हाँ जी बच्चे क्या किया हमने बताइए जरा माइक ले लें हाथ में आप जरा। येलो वन बताइए बेटा आप भी आ जाओ थर्ड वन भी। हाँ जी हाँ जी आपको भी बुलाया गया आप बोलिए बेटा क्या किया हमने पहले माइक ले लो बेटा हाथ में। सर पहले यही द गिवन लिखा उसके बाद प्रूफ। जो वो तो मुझे भी दिख रहा है बेटा वो लिखा है। हेलो येलो वन डोंट टेल कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। हाँ जी बताइए बेटा आप बताइए आप बोलिए बेटा जो आगे है स्टूडेंट। पहले गिवन लिखा उसके बाद टू प्रूफ देन प्रूफ की जगह प्रूफ लिखकर उसके बाद बेटा मैंने आपको डिक्टेट करने के लिए बोला है जो लिखा हुआ है वहां पे है आई आस्क यू टू डिक्टेट। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपका ध्यान गप्पों में इसलिए आवाज नहीं आ रही है। आपके जैसे स्टूडेंट बेटा बाकी क्लास को डिस्टर्ब पहले तक आ रही थी आवाज अभी क्या हुई आवाज। हाँ जी सर क्लियरली नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा व्हाट आई एम आस्किंग कि व्हाट वी हैव डन इन द क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन मी। इज देयर सम टीचर प्रेजेंट। इज देयर सम टीचर प्रेजेंट मैम कैन यू कम टू द माइक प्लीज। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। नो बीच बीच में रुको सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर इन 9th ए आल्सो एंड 9th बी एंड सी आल्सो। तो नाइन भी एवरीथिंग इज फाइन मैम सी वाज द इश्यू। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे आवाज नहीं आ रही आपको भी अभी तक तो हर सारे आवाज कम आ रही है। बेटा उनके कान में लगी है जाके आपकी इतनी तेज आवाज आपने बोली आप कह रहे आवाज नहीं आ रही। सर आवाज कम आ रही है सारी क्लास। आवाज कट कट कर आ रही है। बच्चे अभी तक तो परफेक्ट आ रही थी जब क्वेश्चन पूछ लिया आवाज नहीं आ रही है। सर सभी कह रहे हैं हम अकेले नहीं कह रहे। बेटा नाउ इट इज ओके बच्चों कम आ रही है आपकी आवाज। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। हेलो सर आपकी आवाज कम आ रही है। नाउ इट इज ओके बच्चों हमारी यस सर आवाज। हाँ जी स्टूडेंट्स नाउ टेल मी व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। क्या किया बच्चों अभी तक हमने इस क्वेश्चन में। सर ये एक दूसरे के 90 डिग्री इक्वल है। सर अच्छा जी और नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज आप बताइए बेटा पर्पल शर्ट आप जाइए बच्चे वापस। यस व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। सर पहले हमने दोनों साइड्स को 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। एक मिनट साइड्स 90 डिग्री के इक्वल होती हैं साइड्स सर 90 के इक्वल किया है। को।
साइड्स 90 के इक्वल होती है बच्चे? अरे नो सर, एंगल 90 के इक्वल है साइड्स होती है बेटा? कौन सर एंगल्स को किया है। से वाले एंगल्स को? विच एंगल्स? सो ओ एम पी हाँ एंड ओ पी एम, ओके, सॉरी ओ ओपीएन। ओपीएम नहीं है बेटा, ओ एन पी है, ओ एम पी एंड ओ एन पी। और उसके बाद क्या किया बेटा, जल्दी बोलो जल्दी, एक ही क्वेश्चन थोड़े करना है आज क्लास में। सिट डाउन बोथ ऑफ यू। सी बच्चों, वी हैव टू प्रूव दैट द टू क्वार्ड्स आर इक्वल इन दिस सर्कल। फॉर दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड द कॉन्गोरेंसी इन द ट्रायंगल ओ पी एम एंड ओ पी एन। अच्छा, कॉन्गोरेंसी के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज ओ पी इज इक्वल टू ओ पी दैट इज कॉमन, राइट। सेकेंड थिंग इज एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन, दिस इज गिवन टू अस। थर्ड थिंग इज एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एन पी। वाई? बिकॉज जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जी दोनों कॉर्ड्स पे फ्रॉम द सेंटर, दे मेक्स 90 डिग्री। सो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? RHS। आर एच एस। कौन है आर एच एस वाला बेटा? आर एच एस बच्चे, इसमें कौन कौन सी दो साइड्स लगी है? साइड्स तो हमारे पास एक ही यस एंगल है, एंगल है दो बेटा। कौन सा मेथड लगाया है यहाँ पे हमने? यस AAS2, नेगेटिव। राइट। सो बाय AAS रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज दिस क्लियर? मैं लिख देता हूँ बेटा नेक्स्ट पेज पर। देयरफॉर ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPN बाय AAS रूल, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाय बाय सीपीसीटी। इज दिस क्लियर बच्चों? यस और नो? यस यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। रीजनिंग क्या देंगे बच्चे इसके? व्हाट विल बी द रीजनिंग? कॉर्ड्स कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये बच्चों हमने थ्योरम की थी, एक कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, राइट। सो देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। इज क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यस, नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज बच्चे, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, राइट बच्चों। व्हाट इज द क्वेश्चन? वी हैव टू सर्कल्स, वी हैव टू सर्कल्स एंड द रेडियस ऑफ दीज टू सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेट्स से दिस इज अ बिगर सर्कल एंड इज
रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. वट इज गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. नाउ इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, राइट बच्चों? दिस इज द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. इज दिस क्लियर बच्चों? दिस इज सेंटर ओ, दिस सेंटर इज ओ डैश. देखिए बेटा, बहुत ही इसमें ना कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यूज होगी इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना. नाउ सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 4 सेंटीमीटर. बट यू कैन मेकअप फ्रॉम दीज थ्री वैल्यूज. इज दीज थ्री आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट? यस नो? यस थोड़ा सा इसको ना फिगर को चेंज करना पड़ेगा. देखिए कैसे. नाउ दिस विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? बच्चे दिस इज 4, दिस विल बी 3 एंड दिस इज 5. इज दिस क्लियर? फिगर समझ आई बच्चों आप लोगों को या नहीं? ठीक Yes. है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड क्या होती है बेटा? इफ वी टेक दिस विल बी द कॉमन कॉर्ड. दिस इज क्लियर बच्चे? ये सेंटर हो गया, तो यहां से सर्कल ड्रॉ किया. राइट, दिस विल बी द सेंटर. तो ये सर्कल ड्रॉ किया बेटा. दिस इज द 3 सेंटीमीटर सर्कल. व्हाट विल बी द कॉमन कॉर्ड? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? राइट और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? नाउ ए बी इज ए कॉर्ड टू द सर्कल विद सेंटर ओ ऑल्सो एंड टू द सेंटर ओ डैश ऑल्सो, राइट? इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री बच्चों, राइट और नॉट? इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. बट वन प्रॉपर्टी वी हैव डन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. यस और नो? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. हैव वी डन दिस प्रॉपर्टी बच्चों? हैव वी डन दिस प्रॉपर्टी और नॉट? राइट. सो देयर फोर दिस पॉइंट ओ डैश विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. दिस पॉइंट ओ डैश विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और नॉट? यस वट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी? वट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी? सेंटीमीटर सिक्स हो जाएगी बच्चों. यस सबको समझ आया? इसमें यू हैव टू राइट द थ्योरी. थ्योरी आपको क्या लिखनी पड़ेगी बच्चे क्वेश्चन में, लिखिए जरा. आई विल डिक्टेट दिस थ्योरी आल्सो. ड्रॉ द डायग्राम एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ
दैट इज ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्टॉप टॉकिंग, सेक्शन ए, लास्ट बेंच, येलो रेड एंड ब्लू, स्टॉप टॉकिंग बच्चों। हाँ जी, दैट इज ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ डैश, रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ डैश, दैट इज ओ डैश बी, ओ डैश ए सॉरी, ओ डैश ए विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ डैश ए विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल सर्कल्स ओ ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफोर बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ओ डैश ए विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डैश ए विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ओ डैश। ठीक है जी, इज दिस क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? किसी स्टूडेंट को वो नहीं क्लियर है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफोर ओ डैश विल बी द, ओ डैश विल बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ओ डैश विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है जी, देयरफोर ओ डैश ए विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डैश ए, दैट इज 2 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? यस नोट डाउन बच्चों, एनीथिंग नॉट क्लियर? नो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव क्लास टिल 2:30, वी हैव क्लास टिल 2:30 और 3 o'clock। प्लीज टेल मी, सर टाइम इज ओवर। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट टीचर्स, प्लीज बाय सर। एंजॉय योर वीकेंड। बाय सर।